लो जी आगे खोर फक्कान के बीच में, और ये बोट में बैठकर जाने वाले हैं शार्क आइलैंड। तो वो बोट चलेगी, अभी रितु थोड़ा बिजी है। ये खोर फक्कान का बीच है, सामने ब्यूटीफुल माउंटेन। हेलो आरव, आर यू एक्साइटेड फॉर द शार्क आइलैंड? सैंड, दिस इज बीच ना, ऑफ कोर्स यू विल गेट द सैंड मैन, लुक हियर। Because it's a beach, na? Yeah. Wait here, we need to go now. Yellow, ji. Yellow, yellow. Boat ride. जा ही रहे हैं फिर, मानती नहीं रितु, देखो अगर डूब गए मर गए तो क्या होगा। फॉर शार्क आइलैंड। ओके ओके, आई एम कमिंग। Happy dude. सामान लेके आए होंगे ना कैंपिंग का, तो दिन में आए होंगे ना, चले जाएंगे शाम को वापस। सो व्हाट इज योर फर्स्ट इम्प्रेशन? मौसम फर्स्ट इम्प्रेशन वेरी गुड। तो यहाँ तो स्टैंड लेके आना चाहिए ना नेक्स्ट टाइम के लिए, तो ये ऐसा कुछ सीन है। ये देखो शार्क आइलैंड पर एकदम जबरदस्त कूल एटमॉस्फेयर, लोग कैंपिंग कर रहे हैं। मानो यू वांट टू गो इन द वाटर, आई विल टेल यू, ओके, देन यू कैन गो। कैंपिंग करनी थी आपको यहाँ पे? बहुत मन कर रहा है करने का। कैंपिंग करने का दोबारा आना पड़ेगा फिर कैंपिंग के लिए? दोबारा दिखने टाइम थोड़े ना हमारे पास। हाँ नेक्स्ट टाइम आएंगे अब तो। अच्छा नहीं, कब आएंगे? सो ऐसा कुछ सिस्टम है, देखो लोग यहाँ पे पूरा एंजॉय कर रहे हैं, फुल ऑन स्विमिंग, और बच्चे उधर मजे कर रहे दोनों बानू। व्हाट इज दैट आर इन योर हैंड? आरा बेटा ड्रॉप इट, योर जींस सी। और ये हाँ स्टोन जरा देख के, आप चप्पल क्यों निकाल दिया आपने? चप्पल क्यों निकाल दी? डाल के आता ना सलवार कैसे? आओ ट्राई करो फिर ही, तो देखो तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको। ये यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा एक और, ओके इस तरफ बीच नहीं है, सिर्फ स्टोन्स हैं, ऐसे ही फोटो वगैरह खींच सकते हैं बस, बड़ी बड़ी रॉक्स, सिर्फ फोटो वगैरह कर सकते हैं, बीच नहीं है इधर। पर कैंपिंग कर करके पूरा रबी शार्ट बना दिया यहीं पर ही, कोई उठाता नहीं लगता। ये लोगों को साथ लेके जाना चाहिए कबाड़, देखो। और आगे जाके इधर भी ये कुछ केव्स हैं, और आगे चलो कैंपिंग करो।
कैंपिंग करो, ट्रैकिंग करो। हाँ जाना लास्ट तक आपने, बच्चे भी उधर है यार। ये लो गिर मत जाना, चलो वहां पे जाओ पत्थर बड़े वाले पे। बिच्छू भी होते हैं यहाँ पता है, बिच्छू। हाँ हाँ तो बहुत ब्रेवरी दिखा रही है आज यहाँ। वो लास्ट रॉक पे उधर। यस 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 राइट देयर, टर्न अराउंड। ओ यहाँ पे आके ऋतु ने 3000 फोटोज खींच ली ऑलरेडी। ये लो वेरी गुड रॉक्स और फोटोग्राफी। ओ हो भाई साहब, लोग यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कैंपिंग के लिए परमिशन चाहिए, पर मुझे लगता नहीं कि कैंपिंग के लिए परमिशन चाहिए। पर फिर भी अगर आपको कैंपिंग करनी है तो एक बार बाहर बीच पे बोट वालों को पूछ के फिर आना चाहिए कैंपिंग करनी अगर, तो ऑसम प्लेस है। सो ऐसे टेंट लेके आने का और ऐसे कैंपिंग करने का मस्त सुपर सनसेट का व्यू है और अमेजिंग। बोट्स आती जाती रहती हैं तो आप एक बार ड्रॉप होके फिर उसके बाद दोबारा पिकअप के लिए बोल सकते हो बोट वालों को। क्यों, क्या बोलते हो? मस्ट विजिट प्लेस है ये सर, रियली। मतलब रियली बोल दी। डू कैंप आल्सो, डू कैंपिंग। कैंपिंग के लिए बोल रहा है, परमिशन चाहिए ना। हाँ। तो उधर पार्टी कैंपिंग की जाए तो मज़ा आ जाए, बिल्कुल मज़ा। हाँ, काफ़ी फैमिलीज हैं। मतलब अंधेरा हो गया पर बच्चों को बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा अभी। देखो पूरे गिल्ले हो चुके हैं, मम्मी को परेशान करने वाले हैं हम। सनसेट के बाद रात का कुछ नज़ारा ऐसा आता है, एकदम शांत बीच है, दूसरी तरफ माउंटेन के पीछे क्लाउड्स और उधर पोर्ट। मतलब कैंपिंग करोगे तो यहाँ पर बिल्कुल फुल ऑन प्राइवेसी है, आके एकदम चिल कर सकते हैं, फुल नाइट स्पेंड कर सकते हैं और सिर्फ लहरों की आवाज़ के साथ। लो जी बोट वाले आगे लेने हैं। आगे आगे